देखु बरगड़ सांसद हिसाब से मुझे निर्वाचित थी एवं मोपाई गोटे बड़ खुशी विषय जो ओडिशार सबुठू बेसी हाईएस्ट मार्जिन में मत लोक मैंने आशीर्वाद दे जीतले से श्रेय तो सब भोटर बरगड़ लोकसभा क्षेत्र एवं सबुठ बड़ श्रेय जदि क्या पाखक जीव ब्रजराज नगर लोके जो मैंने 57,000 अधिक मार्जिन में मतलब जीतले से आज आसी ब्रजराज नगर निर्वाचन मंडल विभिन्न जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठक साधारण लोक बस धन्यवाद देवाईपर गोविंदपुर गोशाला को मुझे एवं मु आगु संकल्प करी जे सांसद हिसाब से मत जो दरमा मिले मुमएलए हिसाब से जो दरमा पाई प्रथम दरमा मु पाठ पढ़ुवा हाईस्कल और एम स्कूल से दरमा दुईभाग करी गोटे पुण्य काम लगे संकल्प नहीं थी विधानसभा ओडिशार श्रेष्ठ विधायक सम्मान पाई मानपत्र नगद 50,000 टंका सरकार तरफ प्रदान होता है से 50,000 टंका मुझ संकल्प नहीं थी गोटे भल कम लगेबी और नरसिंहनाथ पार्वतीगिरी अनाथ आश्रम छोट छोट छुआ से पैसा को मुझे लगे थी एवं संकल्प नहीं थी प्रथम दरमा सांसद हिसाब से 1,00,000 टंका सेटा भी गोटे भल कम लगेबी आज गोविंदपुर जो गोशाला अच्छी जो गोसेवा होची गोमाता मान सेवा करके लोके पुण्य अर्जन कमिटी तार तदारख करुच से भली गोटे पुण्य कम मोर प्रथम मासर दरमा 1,00,000 टंका से कम विनियोग करने संकल्प नहीं कि 1,00,000 टंकार गोटे चेकटे आज मुझे कमिटी सदस्य मानक प्रदान कर देखो एवं तो ओडिशार सरकार भी परिवर्तन हो गला ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली रे बीजेपी सरकार ये एमपी भारतीय जनता पार्टी एमएलए भारतीय जनता पार्टी एवं खुशी विषय जे एठिकार एमएलए एवं ओडिशा सरकार रे रेवेन्यू मिनिस्टर डिजास्टर मंत्री अच्छा गुरुत्वपूर्ण विभाग में अच्छा से मत लगे आ समस्या हेब ना आम आगू दाबी करूँ विजु जनता दल सरकार को लखनपुर ब्लक को तीन भाग करेतु एवं आम सरकार अच्छे आमको दाबी करा पड़ो ना सरकार तार पलिस या निश्चित रूपे और लखनपुर ब्लक तीन भाग होगा कथा एत बड़ ब्लक ओडिशा सब बड़ ब्लक आप निश्चित रही आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा से दिगरे पदक्षेप नेबो लखनपुर ब्लक तो निश्चित रूपे विभाजन हेबो।